चीन ने डिफेंस बजट में भारी बढ़ोतरी की है। डिफेंस बजट में 7.2% की बढ़ोतरी की गई है। पिछले कई सालों में यह सबसे ज्यादा इजाफा है, भारी भरकम इजाफा डिफेंस बजट में, क्योंकि चीन का जो डिफेंस बजट था वो पहले से ही काफी ज्यादा था, अब उसमें 7.2% का और इजाफा कर दिया गया है। तो चीन आखिर चाहता क्या है, किस बात के लिए तैयार कर रहा है अपने आप को, यह एक बड़ा सवाल है। चीन ने डिफेंस बजट बढ़ाया है, अब दुनिया पर इसका असर क्या पड़ेगा। डिफेंस बजट में 7.2% का भारी भरकम इजाफा किया गया है, अब 19.61 लाख करोड़ का बजट हो गया है डिफेंस बजट। चीन का अंदाजा लगाइए कितना बढ़ता जा रहा है। पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा खर्च सामने आया है। लगातार 9 साल से चीन अपना बजट बढ़ा रहा है और देखिए किस तरह से डिफेंस बजट में इजाफा हुआ है चीन के। यह आंकड़े भी आपको देखना जरूरी है। 2020 में 6.6% बढ़ा चीन का डिफेंस बजट और उसके बाद 2021 में 6.8% इजाफा इसमें हुआ। 2022 की बात करते हैं कि हर बार आंकड़े बढ़ रहे हैं। 2022 में 7.1% डिफेंस बजट बढ़ा। अब खास बात क्या है यह भी आप जानिए। जी हां, खास बात यह कि यूएस के बाद रक्षा पर, डिफेंस पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला दूसरा देश बन गया है चीन, और चीन की हरकतों से हम सब वाकिफ हैं, पूरी दुनिया वाकिफ है। इस लिहाज से यह खबर चिंताजनक नजर आती है। अब डिफेंस बजट बढ़ाने के पीछे मंशा क्या है वो आपको बता देते हैं। चीनी सेना को विश्व स्तरीय बनाना, एक तो यह बड़ी मंशा सीधे तौर पर नजर आती है। वो तमाम रीजंस क्या हो सकते हैं, मंशा क्या हो सकती है, वो आपके सामने रख रहे हैं। थिएटर कमांड को मजबूत करना चाहता है चीन, इस वजह से भी डिफेंस बजट में इजाफा किया जा रहा है और एक बड़ा मिशन लेकर चल रहा है। 2035 तक सेना का आधुनिकीकरण बड़े पैमाने पर किया जाना है, लिहाजा ये बजट बढ़ाया गया है। कहीं भी जंग जीतने की क्षमता हो, इस मिशन के साथ चीन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ सैनिकों को ज्यादा जंग नहीं लड़ने पड़े, यानी इस तरह से आधुनिक करना है कि सैनिकों का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ना हो, सेना से कम काम लिया जाए और हथियारों से ज्यादा इस तरह से एडवांस करना है। हथियार, विमान, युद्धपोत खुद लगातार जो चीन है वो इसका निर्माण करता हुआ नजर आ रहा है और इसी में ये पूरा पैसा है जो झोंका जा रहा है। मिसाइल, परमाणु हथियार का भी चीन बहुत तेजी के साथ धड़ल्ले से निर्माण कर रहा है। हाईटेक मिलिट्री तकनीक शामिल कर रहा है, यानी कि उसको और भी ज्यादा एडवांस करता हुआ आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। राजेश कुमार सर हमारे साथ है। राजेश कुमार सर, हम सब जानते हैं जो मौजूदा दुनिया भर में एक युद्ध का माहौल बना हुआ है, ऐसे में हर देश अपने डिफेंस पर अच्छा खासा खर्च कर रहा है, तो क्या ये जो खर्चा, ये जो इजाफा चीन कर रहा है इस माहौल में, इसको इससे जोड़कर देखा जाए, सामान्य तैयारी देखा जाए, या फिर कुछ और आपको यहां पर नजर आता है? नहीं, ये सामान्य नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपना रक्षा बजट बढ़ाया है पिछले 2-3 सालों में, काफी इजाफा किया गया है। और शी जिनपिंग ने कहा हुआ है कि मेरे को एक वर्ल्ड क्लास मिलिट्री चाहिए और कहीं भी वो जंग जीतने में सक्षम हो, लेकिन मेरे ख्याल से उनका जो सपना है कि बिना जंग लड़े और हथियारों से ही वो जंग जीत पाएंगे, मेरे ख्याल से वो जो उनकी थ्योरी है वो उसका टेस्ट अभी बाकी है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। ब्रजेश जी, आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि पीएलए के जवानों की बुजदिली के बहुत किस्से हमने सुने और अब इस बात की तैयारी कि सेना को युद्ध में ना झोंकना पड़े, हथियारों से ही काम चल जाए। देखिए, चाइना एक बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट भी रहा है मिलिट्री हिस्ट्री का। हाँ, हमारे सामने दो मिसाल मौजूद है। पिछले 3 वर्षों में रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, उससे अच्छी खासी सीख मिलती है और हम देखेंगे कि आजकल के ज़माने में जो रशियन की जो टैक्टिक्स थी, मास आर्टिलरी यूसेज, सेना के कम लोगों का इस्तेमाल करना, प्राइवेट आर्मीज की इस्तेमाल करना, तो शायद उससे भी प्रभावित हो रखे हों चीन के लोग और चाहते ये हैं, जैसे एयर मार्शल साहब ने बताया, कि कैपिटल इंटेंसिव रॉकेट आर्टिलरी टैंक्स और एयरफोर्स के जरिए
विध्वंस किया जा सके ताकि उनकी इन्फेंट्री या सेना आसानी से जगह को कब्जा कर सके। बिल्कुल, और हमने देखा भी, बिल्कुल सर, एक मिनट चाहूंगा, बिल्कुल सर बात पूरी करिए, ब्रेकिंग दिखाते हैं। हालांकि हिंदुस्तान के मुकाबले में यह सक्षम नहीं होगा, बिल्कुल, क्योंकि माउंटेन और हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में आर्टिलरी, बिल्कुल सर, ब्रजेश सर, क्योंकि पूरी माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, समय बहुत कम है, और सर हमने गलवान तवांग में देखा कैसे मुंह की खाई पीएलए ने वहां पर खाई थी।